NS Shrey Dev Studio। और 13 तारीख के दिन आप देखना आद्रा नक्षत्र आएगा। जानते ना नक्षत्रों के बारे में? आद्रा नक्षत्र जब आता है और आद्रा नक्षत्र के अंदर जो शिव जी की पूजा करे, महादेव की पूजा करे, ये साल भर में जैसे आप लोग जानते हैं ना शिवरात्रि एक बार आती है, वैसे तो छोटी छोटी शिवरात्रि, पर फाल्गुन के महीने की महाशिवरात्रि 13 तारीख के रोज आद्रा नक्षत्र है। और आद्रा नक्षत्र के अंदर जो शिव जी की पूजा करे, ये मेरे मन से नहीं कह रहा हूं, शिव पुराण को खोलना आपको प्रमाण मिलेगा। कुछ नहीं करना मेरे भोलेनाथ भगवान के लिए, मेरे शंकर जी के लिए, मेरे भगवान ने कहा। उन लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आद्रा नक्षत्र में मंदिर में जगह नहीं मिले तो मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है, अपने घर पे पूजा करो। और बड़ी सुंदर सी पूजा है आद्रा नक्षत्र में। जो माँ जो बहन मेरे महादेव का पूजन करती है उसे क्या मिलता है? तो शिव महापुराण कह रही है कि आद्रा नक्षत्र नक्षत्र के अंदर मैंने लिंग को प्रकट किया था। जो आपने कथा पहले सुनी थी ना, ब्रह्मा विष्णु का युद्ध और लिंग प्रकट होना, ये आद्रा नक्षत्र के अंदर मेरा लिंग प्रकट हुआ। और जो नर नारी जोड़े के साथ में बालक को बिठा कर, अपनी बहू को बिठा करके विधि विधान के साथ में अगर मेरी पूजा करें तो क्या फल मिलेगा? सुन लेना, शंकर ने कहा, मैं नहीं कह रहा, मेरे भोले बाबा ने कहा कि जो आद्रा नक्षत्र में मेरी पूजा करेगा, जिस प्रकार मैं गणपति से प्रेम करूं, जिस प्रकार मैं कार्तिक से प्रेम करूं, जिस प्रकार मैं पार्वती से प्रेम करूं, अगर आद्रा नक्षत्र में जिसने पूजन कर ली, अगर बेटी होगी तो मेरी बेटी बनाऊंगा, अगर कोई मेरी माँ होगी मैं माँ बनाऊंगा, और अगर मेरा बेटा बनना चाहे तो मैं गणपति बनाने में भी देर नहीं करूंगा। कितनी सस्ती पूजा है। शिव महापुराण में बड़े बड़े लेख हैं साहब, आद्रा नक्षत्र के पूजन आप हम सब मिलकर के करेंगे। मेरा भी सौभाग्य है 13 तारीख को, 12 तारीख के दिन भोपाल में कथा प्रारंभ हो जाएगी और 13 के रोज मेरे महादेव की कथा विस्तृत होगी। जिस दिन लिंग प्रकट होगा उसी दिन कथा है मेरी। मैं मेरे भाग्य को बहुत अच्छा मानता हूं शिवलिंग की पूजन। और मेरे भोलेनाथ भगवान ने एक इतनी सुंदर बात कही है, अंदर मंदिर में जगह नहीं हो, जैसे आपका छोटा सा मंदिर है ये, जगह नहीं है। मैं भी आता हूं ना तो देखता हूं बहुत बहुत भीड़ है, अब तो थोड़ी पहचान हो गई तो मेरे को कहते आओ गुरुजी पूजन कर लो। ये तो आज से 15-20 दिन पहले आया तो मैं भी रुका था, कोई पहचान नहीं, और पहचान करने की जरूरत भी नहीं। शिव भक्तों को पहचान करवाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पहचान मैं नहीं करता, मेरा शिव आपसे पहचान कराता है। अब आपकी और हमारी पहचान हुई तो महादेव बीच में साक्षी रहकर पूजा करवाए। आद्रा नक्षत्र का एक पूजा का विधान मेरी बहने बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। अपने घर के आंगन में रंगोली बनाकर, जैसा अपन बनाते ना दीपावली के रोज रंगोली बनाकर, दरवाजे के आगे तोरण को लगाकर, और तोरण लगा करके उसमें 5 तरह के पत्ते लगाना है। वैसे आज अभी तक अपन लोग सिर्फ आम के पत्ते लगाते हैं, पर तोरण महादेव को लगाया जाए तो अलग अलग पत्तों का विवरण आया है। सबसे पहले आम का पत्ता लक्ष्मी का प्रतीक है, बिल्व पत्र। कभी भी आप लोगों ने तोरण में शायद बिल्व पत्र लगाया या नहीं लगाया, पर आद्रा नक्षत्र को बिल्व पत्र लगाओ। एक आम का पत्ता, बिल्व पत्र, तीसरा आपका आता है जामुन का पत्ता, यह भी महादेव को सर्वोपरि। और आगे जाकर के मेरे महादेव ने, मेरे भोलेनाथ भगवान ने कहा अशोक का, जो अशोक सुंदरी के रूप में विख्यात है, जो आप जानते होंगे एक पेड़ अशोक, जो आम जैसे ही पत्ते आते हैं, अशोक का पत्ता भी तोरण में लगाएं।
और पांचवा पत्ता आज आप लोगों को मैं बता रहा हूं, एक बड़ का पत्ता, ये शंकर का प्रतीक है। तोरण लगाओ, आज मेरे महादेव ने ये पांच तरह के पत्तों को बताया, इन पत्तों को लेकर के तोरण को सजा करके गंध अक्षत और आम के पत्ते के ऊपर सीधा हाथ रख करके गणपति नमः का जाप करो, गणेश जी से प्रार्थना करो, हे गणपति भगवान आज लिंग प्रकट हुआ और आज हम आपकी पूजन कर रहे हैं, हम आपका अर्चन कर रहे हैं। महादेव हमारे घर की रक्षा करने का काम आपका है और पति और पत्नी मिलकर अगर आपके यहां पर कोई गुड़िया हो, छोटी बालिका हो, उसको बिंदी लगाकर कुछ दक्षिणा देकर, तोरण कौन लगाती है? बेटियां लगाती है। तोरण कौन हमारे घर पर लगाती है? सुहागन स्त्रियां लगाती है। उस तोरण को महादेव को याद करके लिंगेश्वर महादेव लिंग प्रकट हुआ, महादेव का नाम लेकर के तोरण बांध देना। आज मैं कह रहा हूं कोई तंत्र करे, मंत्र करे, तांत्रिक क्रिया करे, तुम्हारे घर का बिगाड़ करे, पर इस नाम से तुमने अगर तोरण लगा दिया तो तुमको रक्षा करने की जरूरत नहीं है, मेरा महादेव तुम्हारी रक्षा करने में देर नहीं करेगा। और हो जाए आदरा नक्षत्र के अंदर भगवान का दीपक, मंदिर में पूजा करें, और कहां जगह नहीं मिल रही हो तो और भी जगह में बता रहा हूं, तुलसी जी की जगह, तुलसी रहती है, तुलसी का आपके घर में गमला हो, गमले को पास में रख के भगवान शिव की पार्थिव पूजा, मिट्टी लेकर के कोई मंत्र नहीं, ओम नमः शिवाय त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम्, इस मंत्र को बोल करके आद्रा नक्षत्र के अंदर अपने घर में शिव पूजा करें। और अगर कोई जगह नहीं मिल रही हो तो तुलसी के पौधे के नीचे, अगर तुलसी का वृक्ष ना हो, वट वृक्ष, वट वृक्ष यानी बड़का, जिस प्रकार वट बढ़ता है, जो व्यक्ति, जो नर, जो नारी वट वृक्ष के नीचे अगर पार्थिव शिवलिंग की पूजन कर दें, तो शंकर भगवान ने कहा कि उसका वंश भी जिस प्रकार मेरी जटा बढ़ती है, जिस प्रकार मेरा वट की शाखाएं बढ़ती है, जो मेरे नीचे एक बार पार्थिव शिवलिंग की पूजन कर दे तो उसके वंश का भी विस्तार होगा, और नहीं उसके घर में कोई अल्प मृत्यु नहीं, सब निरोग होंगे और महादेव के भक्त होने में भी देर नहीं करें। बट वृक्ष ना हो, एक जगह का और भी निर्माण उन्होंने बताया कि अगर वट वृक्ष भी नहीं मिल रहा हो तो बिल्व पत्र के नीचे आद्रा नक्षत्र में, बिल्व पत्र के नीचे भी आप पार्थिव शिवलिंग का पूजा कर सकते हैं। और अगर बिल्व पत्र भी नहीं मिल रहा है तो मेरी बहनें आपके यहां तो सब वो मौजूद है, जाम कथा कर रहे हैं, पीपल के पेड़ के नीचे शंकर अगर प्रसन्न होता है तो हरि को याद करने में, और हरि प्रसन्न होता है हर को याद करने में। पीपल के पेड़ के नीचे मेरे महादेव को, मेरे भोलेनाथ भगवान का अर्चन करो, जल का लोटा, दूध, दही, घी, शहद, शकर, पंचामृत, सुगंध द्रव्य, केला और खीर। और मैंने आपको कल बताया ना, अबीर नहीं होगा चलेगा, कुमकुम नहीं होगा चलेगा, पर भस्मी तो, पूजा की थाली में अगर भस्मी ना हो तो पूजन की थाली अधूरी अधूरी लगती है। भस्म, भस्म रख करके मेरे भोलेनाथ भगवान के यहाँ पर पूजा करेंगे। और ध्यान से सुनना, पूजा करो उस समय किसी प्रकार की लड़ाई नहीं, किसी प्रकार का झगड़ा नहीं, पूजा में सबसे ज्यादा लड़ाई होती है पति पत्नी में, तो और ज्यादा। मैंने कहा था गुरुजी कि बाल्टी लेके आई, ये बाल्टी लेके नहीं आई। मैंने कहा था गुरुजी कि यहाँ नैवेद्य लगा, ये नैवेद्य लेके नहीं। पर आप लोगों को मैं कह रहा हूं, आद्रा नक्षत्र में मेरे महादेव की पूजा करो तो बिल्कुल मौन, हम जाने, मेरा महादेव जाने, मौन हो करके मेरे भोलेनाथ भगवान के यहाँ पर बैठ करके उस दिन आपको 108 दीपक भोले बाबा के दरबार में लगाओ या अपने आंगन में लगाओ, एक एक दीपक
शिव जी के नाम से ओम नमः शिवाय बोल करके एक दीपक आंगन में, दूसरा दीपक आंगन में, तीसरा दीपक आंगन में, तोरण भी है, दीपक भी है, पार्थिव शिवलिंग भी है, आपका बेटा भी बैठा हुआ है, आपकी बहू भी बैठी हुई है, आपका पति भी बैठा हुआ है। और अगर ऐसा आपने पूजन कर लिया तो समझ लेना कि स्वर्ग से भी सुंदर तुम्हारा घर बनने में देर दे, कृपा हो जाए। पर पूरा मन निर्मल बना करके भाव के साथ में, भक्ति के साथ में, मैंने आपको आज तिथि बता दी। आगे की जो 13 तारीख आ रही है, आद्रा नक्षत्र है, आद्रा नक्षत्र में अब बिल्कुल प्रेम से, बिल्कुल भाव से तोरण लगा करके, मेरे महादेव को याद करके, मेरे भोलेनाथ भगवान को याद करके, आनंद के साथ में भगवान को याद करें और भोले को सब कुछ मानकर एक बात कहें,